इसमें इंटरेस्टिंग चीज और है, ओवरऑल अगर आप केस को अगर आप देखेंगे तो इसमें पैरा 27 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईडी कैसे मैलाफाइड इंटेंट के साथ, यानी कि अब ईडी के नियत में खोट है और नियत में खोट के तरीके से काम कर रही है, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आप पैरा 27 इसमें पढ़ेंगे, उस पैरा 27 में ये लिखा हुआ है कि 2022 में जो मटेरियल अवेलेबल इनके पास थे ये 2023 में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक साल तक उसको पढ़ा, मतलब ये अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, जब जिसको लाना है, जैसे डिले करना है प्रोसेस को, उस पे लगे हुए। इनके इंटेंट पे क्वेश्चन, तो अगर ईडी के इंटेंट पे क्वेश्चन लग रहा है तो सारी चीजें फर्जी नजर आ रही है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर पैरा 28 पढ़ेंगे, ईडी इज एक्टिंग विथ बायस, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है ईडी, ये अगर आप पैरा 28 अगर आप पढ़ेंगे, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस वेरी सिनारियो कंस्ट्रेन द कोर्ट टू ड्रॉ एन इंफेरेंस अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इट इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस, मतलब कोर्ट को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ईडी बिना बायस, बिना पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है, इसका मतलब है कि कोर्ट को डाउट है कि ईडी किसी न किसी पक्षपातपूर्ण भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखा है जो आप सबको पढ़ना चाहिए और देश के सामने, जनता के सामने है ये ऑर्डर, कि ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है, ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन ईडी सबूत खोजने की कोशिश कर रही है ताकि अक्यूज्ड को या जिनको ये जेल में रखना चाहते हैं वो जेल में रख सके। तो इनका पर्पस मनी ट्रेल खोजना या केस को मजबूत बनाना या केस को कंक्लोजर की तरफ लेके जाना नहीं है, इनका पर्पस है जेल में रखना, और जेल में रखने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं उसको खोजते रहना, खोजते रहना, खोजते रहना।